स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। आपको लास्ट लेक्चर्स में कंप्यूटर की सामान्य जानकारी हम दे रहे थे। कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर का काम क्या है, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में हमने नॉलेज ली। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने कंप्यूटर की सामान्य जानकारी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ली। आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की जनरेशन। तो हमारा जो टॉपिक है वो यही है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की जनरेशन पीढ़ियां। कंप्यूटर की पीढ़ियां कौन कौन सी हैं, कितनी हैं, और उनके जो फीचर्स हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें क्या क्या हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर क्या हैं, कौन से एग्जाम्पल आते हैं, कौन सी लैंग्वेज उसमें यूज की जाती है, उनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। कंप्यूटर की जनरेशन है वो पांच जनरेशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें आप, पहला है फर्स्ट जनरेशन। अब नाम से पता चल रहा है फर्स्ट जनरेशन मतलब पहली जनरेशन, प्रथम पीढ़ी, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी है तो इसके बाद इसमें बेसिक होगा बिल्कुल टोटल। उसके बाद आता है आपका सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन मतलब फर्स्ट के बाद की, तो ऑब्वियसली जब सेकंड है तो मतलब इसकी जो कमियां होंगी वो आपके सेकंड जनरेशन में पूरी की होंगी। और इसके बाद आता है थर्ड जनरेशन, जो अब सेकंड जनरेशन की कमियां हैं वो हमने थर्ड जनरेशन में पूरी की हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका आता है फोर्थ जनरेशन, अब जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आएंगी इसमें और थर्ड की कमियां भी इसमें आएंगी, ठीक है। इसके बाद है फिफ्थ जनरेशन। ये पांच हमारी जनरेशन्स हैं, पांच पीढ़ियां हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। अब ये जो जनरेशन है, इन सभी जनरेशन को, इन सभी पीढ़ियों को हम एक डायग्राम के रूप में समझने की कोशिश करेंगे, एक छोटे चार्ट के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारा हमारा है, तो हम एक छोटे से चार्ट के रूप में इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस चार्ट से बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा इन जनरेशन के बारे में। तो ये आपका एक चार्ट है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। इस चार्ट के अंदर हमने उस जनरेशन के बारे में लिखा है। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखें, इस चार्ट में एक पूरी टेबल हमने बनाई है। इस टेबल में हमने की फील्ड्स या की पॉइंट क्या क्या लिए हैं। जैसे सबसे पहला है जनरेशन पीरियड, कौन सी जनरेशन है और उसका पीरियड मतलब समय, टाइमिंग क्या है, कब से कब तक कौन सी जनरेशन रही है। इसके बाद है हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी, कि इस जनरेशन में कौन सा हार्डवेयर पार्ट यूज किया गया, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई। इसके बाद लिया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर, कौन सी लैंग्वेज यूज की गई। इसके बाद हमने लिया है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है इसके फीचर्स, कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। इसके बाद लिया है हमने इसके एग्जांपल, कि कौन सी जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर डेवलप किया गया, यूज किया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज चालू करते हैं हम फर्स्ट जनरेशन को। तो जो पहली जनरेशन है यहां पर देखें आप फर्स्ट, ठीक है, पीरियड कौन सा रहा है इसका, 1942 से 1955, ठीक है। तो ये पहली जो जनरेशन है उसका जो टाइमिंग है, उसका जो ईयर है, उसका जो पीरियड है वो कब से कब तक रहा है, 1942 से लेके 1955। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप कंपेयर करना चाहें, आपको याद करने का तरीका बताता हूं, कंपेयर करके याद रखो। आप इस तरह से याद रखेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन इस तरह से याद रखेंगे तो कंपेयर करके याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। कैसे होगा देखें, अब हम केवल पहले जनरेशन और पीरियड्स को ही ले लेते हैं, ठीक है, समय को ले लेते हैं, ईयर्स को ले लेते हैं। तो देखें, फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955, सेकंड में आओ, जहां पर यह खत्म हुई है वहां से सेकंड स्टार्ट हो जाती है, तो आपको एक ही तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे 55 पे खत्म हुआ तो सेकंड कहां से स्टार्ट हो गया, 55 से 64, ठीक है। फिर 64 पे खत्म हुआ तो थर्ड जनरेशन कहां से स्टार्ट हो गया, 64 से 75, ओके। फिर फोर्थ है तो 75 टू 89,
और फिफ्थ है तो यहाँ फोर्थ हमारा खत्म हुआ है 89 पर, तो फिफ्थ हमारा स्टार्ट हो जाएगा 89 से प्रेजेंट टाइम तक, मतलब अभी तक जो जनरेशन हमारी चल रही है 89 के बाद, वो सारी कौन सी जनरेशन चल रही है हमारी, फिफ्थ जनरेशन। ओके स्टूडेंट, जनरेशन समझ में आई, जनरेशन का मतलब पीरियड समझ समझ में आए, 42 से 55, 55 से 64, 64 से 75, 75 से 89, 89 से प्रेजेंट, मतलब अभी तक या टिल नाउ भी हम इसको कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, मतलब इस फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में कौन कौन से हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हम यूज करते थे। तो सबसे पहला जो है वो है वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन में, क्या यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब, और पंच कार्ड यूज करते थे इसको स्टोर करने के लिए। जो भी डाटा हम यूज कर रहे हैं तो वो स्टोर कहाँ पे होगा, तो उसके लिए जो हम हार्डवेयर पार्ट यूज कर रहे थे इसमें वो कौन सा था, पंच कार्ड। ठीक है, मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर बताया था पंच कार्ड किसने बनाया था, ऑलरिच ने बनाया था। ठीक है, और ये क्या काम करता था, पंचिंग के द्वारा डाटा को स्टोर करता था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड यूज किया गया। ओके, सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या यूज किया, ट्रांजिस्टर, और पंच कार्ड की जगह क्या यूज किया, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, जिसे हम मैग्नेटिक कोर मेमोरी कहते हैं, मतलब बेसिक जो है वो मेमोरी स्टोर करने काम में आई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली। फिर थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी यूज किया गया, और कोर मेमोरी की जगह मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप काम में लिया गया। ओके, पहला क्या था, वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड, ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, फिर आईसी। ये जो आईसी है इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या है स्टूडेंट इसकी फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, और कोर मेमोरी की जगह यूज क्या किया, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आओ तो हमारा फोर्थ जनरेशन में आईसी की जगह यूज किया गया VLSI, क्या यूज किया गया, VLSI, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है वी फॉर वेरी, एल फॉर लार्ज, एस फॉर स्केल, आई फॉर इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, ये हमारा आईसी के स्थान पे यूज किया गया था। फिर मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप की जगह पे सेमीकंडक्टर यूज किया गया। ये कई बार कंपलसरी पेपर में पूछा जाता है कि फोर्थ जनरेशन में क्या यूज किया, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की, तो हम क्या बताएंगे, सेमीकंडक्टर। या ऐसे पूछा जाता है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी कब यूज की गई, कौन सी जनरेशन में यूज की, तो आप बोलेंगे फोर्थ जनरेशन। ओके स्टूडेंट, ये वाला जो पॉइंट है कई बार पूछा जाता है कंपलसरी। नेक्स्ट, फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन में जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज की हमने वो VLSI की जगह कौन सी हो गई, ULSI, V हटाया U लगाया, तो U मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्या हो गया इसका फुल फॉर्म, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और सेमीकंडक्टर की जगह यूज क्या किया, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। ये जो ऑप्टिकल डिस्क है ये हमारी DVD और CD कहलाती है, जो DVD CD होती है वो हमारी क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, और हार्ड डिस्क आपने देखी होगी एक छोटी सी प्लेट की तरह होती है जिसमें डाटा ज्यादा से ज्यादा स्टोर होता है। जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी हमारे लैपटॉप हैं, इन सभी में मेमोरी स्टोर करने के लिए या मेमोरी के रूप में डाटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। आप ये बात कैसे करेंगे इसको देखें एक बार, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर, पंच कार्ड की जगह मेमोरी, कोर मेमोरी मैग्नेटिक, फिर ट्रांजिस्टर की जगह आईसी और कोर मेमोरी की जगह मेमोरी, ये मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप, आईसी की जगह VLSI और सेमीकंडक्टर, और यहाँ पे VLSI की जगह ULSI और सेमीकंडक्टर की जगह हार्ड डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। तो ये आपका सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। फिर है थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो है इसमें आप ये देखते हैं कि कौन सी लैंग्वेज, कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए गए। ओके, तो यहाँ पे देखें सबसे पहला जो है फर्स्ट जनरेशन में मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज यूज की गई, कौन सी, मशीन एंड असेंबली।
मशीन लैंग्वेज होती है आपकी, जो कि केवल मशीन समझती है ज्यादा, और वो है हमारी 0-1, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी है? 0-1 की। और असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें इंग्लिश में हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर जैसे आपको कुछ भी जोड़ना है तो हम लिखेंगे एड ए एंड बी, ये टोटल इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, तो वो हमारी असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, सेकेंड जो हमारी जनरेशन है उसमें यूज किया गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने जो यूज किया सॉफ्टवेयर के रूप में। ठीक है, इसके बाद आई हमारी HLL, इसका मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या याद आई इसमें क्या आई? इसमें HLL। ठीक है, इसको MLL भी कहते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज, इसको AL भी कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज, और ये है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये जो बाकी के हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन तीनों में हाई लेवल लैंग्वेज यूज की गई, लेकिन हाई लेवल में भी इसमें इंप्रूवमेंट किए गए। जैसे हमारी थर्ड में यूज किया गया पास्कल और कोबोल और फोर्टोन। ठीक है, बेसिक ये हमारी लैंग्वेज यूज की गई, बेसिक, फोर्ट्रॉन, कोबोल और पास्कल। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में यूज की गई सी, सी प्लस प्लस, यूनिक्स, लाइनेक्स। सी, सी प्लस प्लस, यूनिक्स और लाइनेक्स। फिफ्थ जनरेशन, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें यूज की गई जैसे जावा, वीबी, डॉट नेट, W3, ये कुछ सॉफ्टवेयर और लैंग्वेजेस हमने यूज किए इसमें। तो याद कैसे करेंगे? MLL, BOS मतलब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, HLL इसके अंदर पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, फिर HLL, सी, सी प्लस प्लस, यूनिक्स, लाइनेक्स, उसके बाद इसमें भी HLL, और इसमें जावा, डॉट नेट, वीबी और W3। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट जो आता है वो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर्स क्या है। फीचर्स जो है वो देखें, प्लग इन साइज लिमिटेड कॉमर्शियल यूज, मतलब इसकी साइज इतनी बड़ी होती थी लगभग एक कमरे से भी बड़ी, मतलब एक कमरे में इतना बड़ा, पहले हमारा जो सीपीयू था, जो हमारा कंप्यूटर था, इतना बड़ा होता था कि एक कमरे में बहुत मुश्किल से आता था। तो इसमें क्या है कि साइज बहुत ज्यादा यूज थी, इसलिए इसको बहुत कॉमर्शियल कम यूज लिया जाता था। फिर जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन सेकेंड है, ये फास्टर और स्मॉलर, मतलब पहली जनरेशन से इसकी साइज थोड़ी सी छोटी हुई, और फास्टर मतलब इसकी प्रोसेसिंग स्पीड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी साइज बहुत अधिक थी, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम थी, और इसकी मेमोरी भी कम थी। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। क्या क्या हो गई? साइज ज्यादा थी, स्पीड कम थी, मेमोरी कम थी। सेकेंड में क्या आ जाएगा? फास्टर एंड स्मॉलर, मतलब ये फर्स्ट जनरेशन से इसकी स्पीड ज्यादा थी और ये इससे छोटा था साइज में, किससे? फर्स्ट जनरेशन से, एज ए कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, नेक्स्ट थर्ड पे आओ, सेम फास्टर, स्मॉलर, रिलायबल एंड इजी टू यूज, इजियर टू यूज, ये इसके फीचर्स हैं, मतलब फास्टर। तो इसमें कंपेयर करके चलना, फास्टर का मतलब यहां पर क्या है कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन से फास्ट होते थे, इनकी स्पीड जो होती थी वो फास्ट होती थी, ये जो साइज में थे इन दोनों से ही छोटे होते थे, रिलायबल होते थे मतलब विश्वसनीय होते थे, भरोसेमंद वाले होते थे। ठीक है, और इजियर टू यूज मतलब यूज करने में भी आसान होते थे। तो ये इसके फीचर्स हो गए। ओके, नेक्स्ट पे आए फोर्थ जनरेशन, तो फोर्थ में भी क्या है? फास्टर, स्मॉलर, मोर रिलायबल, जनरल यूज, मतलब ये क्या हुआ, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड से स्पीड इनकी ज्यादा हो गई, साइज इनकी इन तीनों से कम हो गई, अब ये ज्यादा विश्वसनीय हो गए क्योंकि इनमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आने लगे जिनके द्वारा हम आसानी से किसी भी काम को कर सकते हैं, और जनरल यूज के लिए इनको उपयोग में लिया गया। ये जो यूज में थे ये आपके कॉमर्शियल यूज के लिए काम में लेते थे, और ये आप जनरल यूज के लिए काम में लेने लगे। इसके बाद है फिफ्थ जनरेशन, अब इस फिफ्थ जनरेशन को देखे तो इसमें भी आप लिख सकते हैं फास्टर एंड स्मॉलर, मतलब आप कंपेयर कैसे करेंगे कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कंप्यूटर से इनकी स्पीड जो है वो ज्यादा हो गई थी, साइज इनकी कम हो गई। साइज कितनी कम हो गई कि आप आजकल ये जो मोबाइल्स हैं, जो टैबलेट्स हैं, ये आपके मिनी कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन में आते हैं, जिनको हम पॉकेट में भी रख के आसानी से इधर से उधर मूव कर सकते हैं। ओके, इसके बाद पोर्टेबल, ये जो पोर्टेबल है ये मैंने अभी आपको बताया, पोर्टेबल का मतलब यही है, पोर्टेबल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप इसको आसानी से ले जा सकते हैं। पावरफुल, इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो ज्यादा होने लगी तो ये पावरफुल हो गए, मेमोरी ज्यादा हुई तो ये पावरफुल हो गए, इसमें सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए कि बहुत आसानी से और बहुत ही कॉम्प्लिकेशन वाले जो कैलकुलेशन थी
या कोई भी हमारा काम था वो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। हाई स्पीड, तो इसकी स्पीड भी बहुत अधिक होती है इन चारों के मुकाबले। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? जैसे साइज बड़ी है, स्पीड कम है, मेमोरी कम है। ठीक है, इसकी साइज पहले से छोटी हो गई, स्पीड ज्यादा हो गई, मेमोरी भी ज्यादा हो गई। ये फर्स्ट सेकंड से ज्यादा स्पीड है इसकी, साइज छोटी है, भरोसेमंद है और काम में आसानी से ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये तीनों जनरेशन कंप्यूटर से इसकी स्पीड ज्यादा हो गई, साइज में छोटी हो गई, ज्यादा रिलायबल हो गए, विश्वसनीय हो गए और जनरल काम में, जनरल यूज में हम इनको लेने लगे। नेक्स्ट, ये क्या है? फास्टर है, साइज कम है, मेमोरी ज्यादा है, पोर्टेबल है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम इसको आसानी से मूव कर सकते हैं, पावरफुल है, किसी भी कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं और इनकी स्पीड भी बहुत अधिक हो गई। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट था। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट इनका, ये है एग्जाम्पल कि किस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर हमने काम में लिया। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारा एक है, पहला सबसे बेसिक और सबसे पहला जो कंप्यूटर है वो यही लिखा जाता है, NIIE, ये है ENIAC। ठीक है, इसके बाद आया हमारा EDVAC। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्स, ठीक है, UNIVAC फर्स्ट, और इसके बाद आया IBM 701। तो फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे एग्जाम्पल है, जो कंप्यूटर हमने यूज किए वो हमारे ये हैं। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में हमने जो काम में लिए वो है IBM 400 एंड CDC 1604। ठीक है, नेक्स्ट, फिर हमने जो थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर काम में लिए एग्जाम्पल के रूप में वो है IBM 630 एंड 360 एंड 370। ओके, नेक्स्ट है PDP 8 एंड PDP 11, ये हमारे थर्ड जनरेशन में काम में लिए। फोर्थ जनरेशन में काम में लिए IBM PC एंड Cary 1 एंड Cary 2। ओके, और लास्ट जो हमारा फिफ्थ जनरेशन है, इसमें हमने काम में लिए IBM नोटबुक, जो आजकल आपके मार्केट में भी अवेलेबल है, IBM SP 2 एंड Param 10000। ये ध्यान रखना, ये जो लास्ट में लिखा है Param 10000, ये कई बार पूछा जाता है कि भारत के द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा है। तो Param 10000 भारत के द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर है। ठीक है, ये कई बार एलिमेंट्री में पूछा जाता है, तो इसका विशेष ध्यान रहे कि भारत के द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा है, Param 10000। कई बार आपको ऐसा मिलेगा, जो ऑप्शन मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे, Param 1000, Param 10000, Param 8000, Param 1 लाख। तो आप कंफ्यूज मत होना कि 1000 है, 10000 है, 1 लाख है, ये सब एक से रिलेटेड है। तो 10000 आपका जो पहला बोला जाता है कंप्यूटर, जो भारत के द्वारा बनाया गया था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो थे आपके मेन मेन पॉइंट्स जो हमारे जनरेशन में है। कुछ पॉइंट ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन में अधिक आदमियों की आवश्यकता होती थी काम करने के लिए, थर्ड में कम की पड़ी, फोर्थ में, सेकंड में कम की पड़ी, थर्ड में कम की पड़ी, फोर्थ में कम, और फिफ्थ में तो आज केवल एक सिंगल आदमी ही आपका इसमें काम में ले सकता है। तो आज का टॉपिक हमने यहाँ पढ़ा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पीढ़ियां क्या होती हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके हार्डवेयर क्या हैं, इसके पीरियड्स क्या हैं, इसकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। थैंक यू।